फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल वायरमैन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम, जैसे कि आपने थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम जो है टीवी कनेक्शन वायर के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ ऐसे जानकारी दी है टीवी के कनेक्शन वायर के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकता है। तो खास करके मेरे उन इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए जिनके लिए मैं ये वीडियो पेशेंट बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी इलेक्ट्रिशियन ऐसे होते हैं उनको टीवी कनेक्शन वायर जो है वो कैसे निकाली जाए, या फिर उसका जो इशू आता है बाद में क्लियरेंस का, वायर डालने के बाद जो है उसकी HD क्वालिटी या फिर जो भी ATC वगैरह, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें इस वायर को नीचे ग्राउंड फ्लोर तक ले जाने के लिए जो कि पाइपलाइन करनी होती है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप वीडियो देख के समझ ही जाओगे। तो दोस्तों देखिए, हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वायर घर के अंदर, वो RG6 या RG8 की वायर होती है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा वीडियो सिर्फ इंस्टॉलेशन के बारे में है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक टेप रोल और उसके बाद में एक स्प्रिंग बॉक्स होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही हम वायर को नीचे ग्राउंड फ्लोर तक ले जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी नीचे के फ्लोर पे जाके, जैसा कि हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे जाके मैं अभी वायर को खींचने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जो वायर यूज़ करने वाले हैं वो RG6 की वायर है। इसके अलावा RG11 RG8 की वायर आती है, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये जंक्शन बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर अभी ऊपर से जो बंदे ने स्प्रिंग डाला है, स्प्रिंग के थ्रू हमको वायर को खींचना होता है। और इसी जंक्शन बॉक्स से एक जो पाइप हमारा नीचे के ग्राउंड फ्लोर तक हमने डाला हुआ है पहले से ही। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए ये जो पाइपलाइन है आप वीडियो देख के समझ ही जाओगे कि पाइपलाइन वगैरह कैसी होती है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर की पाइपलाइन होती है उसके बारे में बताऊँगा, जो कि आगे आप वीडियो में देख ही लोगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक मेटल बॉक्स है, मेटल बॉक्स से होके और भी नीचे ये जो पाइप है हमारा जाने वाला है। तो देखिए, इसके बाद में हमें अभी जो है ग्राउंड फ्लोर पे जाना होगा। देखिए, सबसे पहले हमें स्प्रिंग का यूज़ करके, जैसा कि टेरिस पे भी हमने स्प्रिंग का यूज़ करके जो है वायर को नीचे तक लाया, उसी तरह अभी यहाँ पर भी स्प्रिंग का यूज़ करके हमको वायर को और नीचे की तरफ लेके जाना होगा। हाँ, तो अभी हम देखिए ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बैक साइड में लेके जाता हूँ। जैसा कि हमारी जो पाइपलाइन होती है टीवी कनेक्शन की, वो हमेशा याद रखिए बैक साइड से होती है, क्योंकि यही एक दीवार होती है जो टेरिस तक जो है जाती है, और इसी से हम हमारी पाइपलाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है दो पाइप्स निकाले हमने। ये दो पाइप क्यों निकाली है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ से हमको जो हमारी वायर्स होती है उसको डिवाइड करना होता है। जैसा कि हमने ऊपर से नीचे तक अभी दो वायर्स खींचे, तो उसमें से एक वायर जो हमारे हॉल की तरफ जाने वाली है, एक जो है हमारे बेडरूम की तरफ जाने वाली है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे जो है दो पाइप का पहले से दो पाइप डाल के रखे हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें हमारी जो वायर होती है उसका पहले मेजरमेंट लेना होगा, ताकि हमें पाइपलाइन करते समय कोई भी दिक्कत ना आए और जो है हमारी पाइपलाइन भी अच्छे से हो सके। वायर का मेजरमेंट होने के बाद दोस्तों, हमें जो कि उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है कि हमें हमारी जो पाइपलाइन होती है वो करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें जो है हमारे दो वायर्स को डिवाइड करना है, यहाँ पे एक हॉल की तरफ और एक जो है हमारे बेडरूम की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा हॉल का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर अभी वायरिंग हमने कम्प्लीटली कर चुकी है चुके हैं हम, और देखिए कैसे पाइप को हमने एक रूम से दूसरे रूम से कैसे बेंड करके हम वहाँ तक वायर को ले जा चुके हैं। और सेम उसी तरह हमें अभी हमारे बेडरूम के अंदर करना है, जो कि बेडरूम यही होने वाली हमारी। तो यहाँ पे भी एक हमारा टीवी यूनिट होने वाला है, तो सेम उसी तरह हमें यहाँ पे भी हमारे वायर को जो है टीवी यूनिट के बोर्ड तक ले जाना होगा।
जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो बंदा है कैसे पाइप का मेजरमेंट निकाल के इसी के थ्रू जो हमारी वायर है उसको टीवी यूनिट की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी आपका टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि पूरा अगर आप वीडियो देखोगे तभी आपके समझ में आएगा कि हमने जो है प्रॉपरली कैसे पाइपलाइन किए, कैसे वायर को टेरेस से ग्राउंड फ्लोर तक निकाला है, कैसी उसकी जो फिटिंग की है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटली वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है और पाइप को अच्छे से फिट रखने के लिए यहाँ पे हमने, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हमने साइडर क्लिप का यूज़ किया है। तो चलिए दोस्तों इस पूरे वर्क को एक बार फिर से रियलाइज कर लेते हैं, फिर से क्लियर अप कर लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग से अब तक कैसे पाइपलाइन या फिर वायरिंग की है। तो चलिए दोस्तों तो दोस्तों देखिए, आप देख सकते हो कि ग्राउंड फ्लोर से टेरेस तक कैसे हमने जो कि टीवी कनेक्शन वायर को निकाला है, ठीक उसी तरह से दोस्तों हमारे उस साइड से जो दो रूम्स होने वाले उसकी भी वायरिंग ठीक इसी तरह से हमको करनी है। देखिए आप वीडियो में देख सकते हो, देखिए यहाँ पे भी सेम उसी तरह से हमने पाइप्स को निकाला है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आपको RG6 और RG8 या फिर RG11 इन तीनों वायर के बारे में क्या अंतर होता है और हमें कौन सी वायर कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप यस करके पूछ सकते हैं। क्योंकि आप अगर कमेंट्स बॉक्स में यस करके पूछेंगे तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए और हो सके तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।